नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बठिंडा से 16 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव गुलाबगढ़ के शुक्रवार का दिन न भूलने वाला मंजर बन कर रह गया, जिसकी छाप गांव के बच्चे, बूढ़े, नौजवानों के साथ महिलाओं के मनों पर हमेशा रहेगी। स्कूल में प्रिंसिपल चरणजीत सिंह को पहले लगा कि पटाखे चले हैं, मगर जब उन्होंने स्कूल के बाहर हुई पुलिस की हरकत को देखा तो वह मौके की गंभीरता को भांप गए और मेन गेट को तुरंत ताला लगा दिया और वहाँ स्टाफ को तैनात कर दिया। गांव के लोग मेन सड़क पर हुए गैंगस्टरों और पुलिस के बीच एनकाउंटर देख सहम गए। जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे वे उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रही थीं। बठिंडा के आईजी मुखविंद्र सिंह छीना के अनुसार 5 गैंगस्टरों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को छीना और मेन रोड की ओर भागने लगे। इसकी भनक सी आई एएस स्टाफ बठिंडा को लग गई और पुलिस ने गुलाबगढ़ में उन्हें घेर लिया। गैंग सरगना हरविंदर सिंह भिंदा और गुरविंदर सिंह गिदा बचने के लिए स्कूल में घुस गए थे, जिन्हें पुलिस टीम ने अरेस्ट कर लिया। पंजाब के साथ आसपास के राज्यों में गैंग चला रहे विक्की गौंडर गैंग से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ बठिंडा पुलिस ने कार्यवाही करते बठिंडा के गांव गुलाबगढ़ के सरकारी से केंद्रीय स्कूल के बाहर एनकाउंटर किया। गुलाबगढ़ में पुलिस व गैंगस्टरों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 गैंगस्टर्स को गोली लगी। इनमें से 2 की मौत हो गई जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। IGMS छीना ने यहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब, UP और राजस्थान में आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनकाउंटर में मारे गए मनप्रीत सिंह उर्फ मंदना वासी अजीमगढ़ अबोहर के खिलाफ अबोहर के थाना सिटी में डकैती का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा मारे गए दूसरे गैंगस्टर प्रदीप सिंह उर्फ दीप वासी ममूखेड़ा जिला फाजिलका के खिलाफ पुलिस थाना खरड़ में कुछ नेचिंग का केस दर्ज है।